हेलो बच्चों, क्या हालचाल? मस्त एकदम। तो मेरा नाम अलक पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल फिजिक्स वाला पे। और हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और आज उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, लॉरेंस फोर्स, हम पढ़ने जा रहे हैं। सर कितना प्यारा नाम है, लॉरेंस। अच्छा, अभी तक हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। उसका फॉर्मूला भी पढ़ा, QVB sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था तब भी उसके ऊपर एक फोर्स लगती थी, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला था QE। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज एट रेस्ट पे भी लगती है, चार्ज एट मोशन पे भी लगती है, पर मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ चार्ज इन मोशन पे लगती है। तो आज इन दोनों फील्ड्स को हम मिलाएंगे और नेट फोर्स को देखेंगे और उसी को बोलेंगे लॉरेंस फोर्स। तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, आसपास के चूहों को मार के खाना बंद करें। और जो लोग चाहें वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakpandey.com पे जाके इस लेक्चर के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी लेक्चर के PDF नोट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, जितने चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं क्लास 12th के। और साथ में आपको वहाँ पे इन चैप्टर्स के असाइनमेंट भी मिलेंगे, जिसमें बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, IIT मेंस लेवल क्वेश्चन और IIT एडवांस लेवल के क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। वेबसाइट है www.physicswalaalakpandey.com। चलिए, वेबसाइट के इतने प्रमोशन के बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स किस चीज के बारे में हो देखें, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कितनी, QE। नेगेटिव होता तो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड लगती, पॉजिटिव पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स और फॉर्मूला बना QE। वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। फिर हमने ये पढ़ा कि मान लीजिए किसी रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं हम, इनवर्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी है, इनवर्ड, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्लेन के अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे प्लेन के अंदर जा रही, कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है। और इसके अंदर कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो कि वी स्पीड से चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में कंडीशन ये होती है कि चार्ज मूविंग हो तभी फोर्स लगेगी उसके ऊपर, तो ये वी स्पीड से चल रहा है तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स को हमने बोल दिया FM, और बच्चों इसका फॉर्मूला होता था QVB sin थीटा। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q×V×B, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी वेक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर, क्रॉस लगाओगे तो आंसर परपेंडिकुलर। निकालने का तरीका भी सिखाया था, राइट हैंड पाम रूल, कि अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाओ, थंब को डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज में लगाओ ऐसे, फिर पाम जिधर पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। राइट हैंड के पाम को खोलो, फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पाम पॉइंट करे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये रहा। तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखो तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पार्टिकल की वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर लगी फोर्स। आज हम बात करेंगे, मान लो कोई रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली जो नेट फोर्स होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। क्या बात है सर, दोनों चैप्टर कंबाइन हो गए, ये आया मजा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी और मैग्नेटिज्म भी, क्या बात है।
यानी अब उस चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्सेस लगेंगी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक मैग्नेटिक फोर्स। इसी नेट फोर्स को बच्चों हम लॉरेंट्ज़ फोर्स बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स को भी लॉरेंट्ज़ फोर्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो गई, कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो बन गई, तब मैग्नेटिक फोर्स ही लॉरेंट्ज़ फोर्स बन जाएगी, है ना। लॉरेंट्ज़ फोर्स इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दिस लॉरेंट्ज़ फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी, क्यू ई, ऐसे वेक्टर साइन लगा दिया, और मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी। आंसर कैसे आएगा, वी क्रॉस बी करके, ठीक है। सो दिस इज द नेट लॉरेंट्ज़ फोर्स ऑन अ पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम इसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जब चार्ज पार्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर कैसी कैसी फोर्सेस लगती हैं, वो तो देख लिया, और उसका कैसा मोशन होता है। अब मोशन के लिए यार बहुत सी कंडीशन हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, वगैरह वगैरह। तो केसेस बनाते जाएंगे तो यहाँ पर बहुत केसेस बन जाएंगे, 12-15 केस बन जाएंगे, बट वी कैन नॉट गो इन टू दोज मैनी केसेस, है ना। हम वही केसेस लेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम 4-5 अच्छे केस लेके आपकी प्रैक्टिस करा देंगे, उसके बाद कैसा भी केस है आपका दिमाग खुल जाएगा कि कैसे डील करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को साथ में, ठीक है। और जहां जहां बोले बहुत इंपॉर्टेंट केस है याद रखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट केस होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी तीनों परपेंडिकुलर होंगे, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोन एज वेलोसिटी सेलेक्टर। बट बाकी केसेस भी अच्छे हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, बट हम आपको बताएंगे। आज हम सिर्फ कंसर्न्ड हैं कि चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे। जैसे यहां पूछूं चार्ज पार्टिकल कैसा चलेगा, सबको पता है स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेटेड मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यहां पूछूं चार्ज पार्टिकल कैसा चलेगा, बताओ 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 बताओ, सर्कुलर, याद है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर चल रहा है चार्ज तो सर्कुलर मोशन, फोर्स इधर लग रही घूमने लगेगा। फिर दोनों को कंबाइन करके हम देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल की क्या पाथ या क्या ट्रेजेक्टरी होगी। शुरू करें, 4-5 इंपॉर्टेंट केस लेंगे बस, चलिए शुरू करते हैं। तो लॉरेंस फोर्स सबको क्लियर हो गया, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या प्लेस्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इतनी अंग्रेजी इस्तेमाल करने के लिए क्षमा चाहूंगा, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रस्तुत हों, ठीक है। तो पहले हम केस वन लेते हैं बच्चों, केस वन हम ले रहे हैं व्हेन ई इज पैरेलल टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, मान लो ये केस है। और इसके अंदर भी सब केस बनेगा, सब केस ये बनेगा कि चार्ज पार्टिकल कैसे चल रहा है, चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है। तो मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल कैसे भी नहीं चल रहा, चार्ज पार्टिकल का चार्ज q है, मास m है, और ये अभी रेस्ट पे है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। हमसे पूछा इसकी पाथ कैसी होगी, आओ देखते हैं। क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की तो आप बात नहीं करोगे, हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, कितनी लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी क्यू ई, बोलो क्लियर है, किस तरफ लगेगी, इस तरफ, ऐसे क्यू ई। इस क्यू ई फोर्स लगने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने लगेगा। मान लेते हैं ये डायरेक्शन हमारा एक्स है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं अपनी एक्सिस बना लेते हैं, ये मान लो हमारा एक्स है और ये वाई, तो जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक किस डायरेक्शन में, एक्स, तो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन विल बी क्यू ई बाई एम, बोलो सही है, फोर्स अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन मिलेगा। इस एक्सेलरेशन की वजह से इसके पास एक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ जाएगी, अब ये मूविंग चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, अभी ये रेस्ट पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने पकड़ के अपने डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करा दिया, ये फोर्स लगा के चल, ये चलना चालू कर दिया, वो भी एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हम पूछें इसकी स्पीड कितनी होगी एक्स डायरेक्शन में, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, बोलो सही है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्योंकि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है दिख रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में, जीरो, शुरू में किस पे है, रेस्ट में। तो फाइनल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन विल बी क्यू ई बाय एम इनटू टी, तो समय के साथ साथ इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है एक्स में। बट अब यहीं पे एक सवाल आएगा कि अब ये चार्ज पार्टिकल मूविंग हो चुका है, अगर ये मूविंग हो चुका है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। ये चार्ज पार्टिकल अब मूव करने लगा है इसी डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी वी एक्स,
बच्चों आपको याद होगा, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होती है। चाहो तो निकाल के देख लो, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा वॉज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है, जीरो डिग्री। तो साइन जीरो जीरो, खत्म हो गई बात, साइन जीरो जीरो खत्म हो गई बात, आंसर आ गया जीरो। अरे भाई साइन जीरो इज जीरो, खत्म हो गई बात, आंसर आ गया जीरो, यानी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। पहला केस बड़ा सिंपल था, देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसकी वजह से ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा इन दी एक्स डायरेक्शन, और इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे वेरी करेगी, समय के साथ साथ वेलोसिटी लीनियरली बढ़ती जाएगी। अब इस पे आप ग्राफ भी बना सकते हो, 10 तो आपसे पूछ ले कि इसकी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, तो एक्सेलरेशन इसकी कैसी आ रही है, कांस्टेंट, तो समय के साथ चेंज नहीं होगी। कोई बोल दे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। कोई बोले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का बनाओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल आएगा टी स्क्वायर के। कैन यू डू ऑल दिस, समझ में आया। मैं ऐसे ही आपको आज केसेस डिस्कस करेंगे हम लोग, ताकि खूब ढेर सारे केसेस बन सके। क्लियर है एकदम, रेस्ट पे लिया था, छाप लें। अगला केस लेते हैं, इसको चला देते हैं, पार्टिकल को नोट कर लिया है, पॉज करके नोट कर लें, 1 2 पॉज करके, 1 2 3 4 ओके भाई, पॉज करके नोट करो तो वीडियो छोटा होगा थोड़ा, मिटा रहे सर, छोटा वीडियो तो आप बनाते ही नहीं हो, हम लोग कह कह के थक गए, 15 मिनट का वीडियो बना दो, आप हो गया आपसे बन ही नहीं रहा। अच्छा आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। मान लो यही चार्ज पार्टिकल, इसी केस में अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, पहला इसी केस में एक पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट लिख लो, सेकेंड पॉइंट लिख लो। मान लो यही चार्ज पार्टिकल है, चार्ज Q, मास m, और ये x एक्सिस में चल रहा है, से विथ वेलोसिटी v नॉट, x डायरेक्शन में v नॉट से चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी x में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी x में है, कांस्टेंट मानी अभी हमने दोनों फील्ड, ठीक है। अच्छा अब पूछा गया इसका मोशन वगैरह बताओ, तो इसके ऊपर सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लो, कितनी, QE, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन QE बाय m, भाई इस तरफ फोर्स लगेगी कि नहीं इसके ऊपर, QE इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एक्सेलरेशन QE बाय m। अच्छा इसकी वजह से इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, Vx is equals to Ux plus Ax into t is equals to, इस बार Ux है, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, कितनी है, v नॉट है, तो उसको रख दिया, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का QE बाय m into t, तो ये हो गई इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में, जो कि अभी भी दिख रही है कि समय के साथ बढ़ती जा रही है, बस शुरुआत में जीरो नहीं है, जैसे पिछली बात v और t का ग्राफ अगर आप बनाते, आई होप इतना आप समझते हो, तो ये ऐसे बनाते क्योंकि शुरू में वेलोसिटी जीरो थी, इस बार ऐसे ना बना के ऐसे बनाओगे, शुरू में वेलोसिटी u है, बोलो समझ, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, बट शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है अपनी, u या v नॉट है, ठीक है। चलो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही, सब समझ गए हम, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट रखे, टाइम देके, जो भी वैल्यूज दी हो, अभी एनालाइज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बात करें तो यार मैग्नेटिक फोर्स की बात करें फिर जीरो आएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, अगेन द एंगल इज जीरो, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, इसका मोशन इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होगा, वी एक्स, ये एंगल अभी भी जीरो, यानी मैग्नेटिक फोर्स इस बार भी रिमेन्स जीरो, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। तो पहले दोनों केसेस में हमने देखा पार्टिकल का जो पाथ, अगर आपसे पूछा जाता चार ऑप्शन में कि क्या पाथ होगा, तो आप बोलते स्ट्रेट लाइन पाथ, पिछले केस के लिए आई एम सो सॉरी पाथ नहीं लिखा, पर आप समझ गए थे, चार ऑप्शन आए पार्टिकल का पाथ क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, है ना, हेलिकल है, हेलिकल पाथ आपने देखी, तो आप सीधा लिख दोगे द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, नोट कर लें, चलते हैं इसी में अगले पॉइंट पे, ठीक है, केस यही रहेगा, दोनों को अभी भी पैरेलल लेके अगला पॉइंट देखते हैं, ये नोट कर लिया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा यार मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही है सर, लाओ सर दोनों फोर्स लगाओ, ये क्या आसान आसान, चलो अब दोनों फोर्स ले आते हैं। लेट अस सपोज दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड इन दिस डायरेक्शन, मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है वेलोसिटी वी नॉट से, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से, अब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया। चलिए इलेक्ट्रिक फोर्स की पहले बात करें, आसान है निकालना, क्यू ई किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में लगेगी ये, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड है, फील्ड वाई में भी हो सकती है, जेड में भी, मैं तो एक केस लेके चल रहा हूँ, है ना। अच्छा एक्सेलरेशन कितना होगा एक्स डायरेक्शन का, क्यू ई बाय एम, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की बात करें, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इन टू टी, ये लगा दोगे,
इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन जीरो, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी एक्स में कुछ भी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है पर किस डायरेक्शन में है, वाई में है। इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन फॉर दिस पार्टिकल इज जीरो, तो यहां पे जीरो चिपका दो, प्लस एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन क्यू ई बाय एम इनटू टी, तो वेलोसिटी आपको दिख रहा है लीनियरली वेरी करेगी, वी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम इनटू टी। तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी लीनियर वेरी कर रही है। अब देखते हैं भाई वाई में मोशन है, जेड में मोशन है कि और क्या हो सकता है, देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की बात करें बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, बीच में एंगल हो गया 90, क्या बात है, साइन 90 इज 1, यानी इस बार मैग्नेटिक फोर्स भी है, क्या बात है, क्यू वी बी। किधर लगेगा, किधर लगेगा, किधर लगेगा, राइट हैंड खोलो, राइट हैंड खोलो, फिंगर्स को लगाओ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को लगाओ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, किचिक 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 किचिक, फिंगर्स को लगाओ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को लगाओ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, fingers in the direction of field, thumb in the direction of motion of positive charge, kichak 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 kichak, force andar ki taraf lag rahi, this force is in the direction of z direction mein, ye x ye y force, agar z direction ye hai andar ki taraf to magnetic force andar lag rahi hai। ab bachcho humne ye kaha ki sir iski wajah se iska motion kaise affect hoga, to ye cheez aapko yaad karni hogi ki agar magnetic field velocity ke perpendicular ho, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो कौन सा मोशन कराती थी, सर्कुलर, तो ये कराएगी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा सर्कुलर मोशन होगा ये भी सोचना है। फोर्स किधर लग रही, अंदर। फोर्स किधर लगती है सर्कुलर मोशन में, टुवर्ड्स द सेंटर। भाई ये फोर्स कौन से फोर्स का रोल प्ले करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां पे आपके प्रीवियस लेक्चर आपके कंप्लीट होने चाहिए, ये सब चीजें प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे सिखाई हमने कि जिधर फोर्स लग रही हो मैग्नेटिक फोर्स वही है सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन, मतलब यहां कहीं सेंटर है तो फोर्स इधर लगी, चार्ज पार्टिकल ऊपर जाना था फोर्स अंदर की तरफ चल गई, तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन। देखो ऐसे जाना चाहता था फोर्स अंदर, ऐसे जाना चाहता था फोर्स अंदर, ऊपर जा रहा था तो ये इस प्लेन में सर्कुलर मोशन करने लगेगा इन दी वाई जेड प्लेन, और साथ साथ ये आगे भी बढ़ता रहेगा एक्स प्लेन में, सॉरी एक्स डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी वी एक्स, और यहां ये गोल गोल घूमता रहेगा विथ वेलोसिटी वी नॉट। आपको अगर याद हो कि मैग्नेटिक फोर्स यहां कौन सी वेलोसिटी रखोगे, वी नॉट। मैग्नेटिक फोर्स बॉडी की स्पीड नहीं चेंज करती, यानी इस स्पीड को वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा कई लोग कह रहे हैं कि सर इसके पास इस डायरेक्शन में भी तो स्पीड आ गई, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है उसकी वजह से कोई फोर्स ही नहीं बनती। भाई अगर ये वाली छुपा दो और ये वाली स्पीड देखो, ये छुपा दो भूल जाओ, अगर एक्स वाली स्पीड देखो तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाली स्पीड की वजह से फोर्स कितना लगाएगी, जीरो, क्योंकि वो पैरेलल होगी, एंगल जीरो, इसी की वजह से फोर्स लगाएगी। और अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर, ये मैंने सिखाया है चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज का मोशन कचक 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 पाम से आया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स किधर लगती, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, तो ऐसे सेंटर की तरफ लगी, घूम गया ऐसे ऐसे, तो ये गोल गोल मोशन और आगे बढ़ने लगा, यानी दो तरह के मोशन है सर्कुलर और लीनियर। बच्चों दोनों मोशन मिलाओगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, याद आ गया कौन सा मोशन है, ये हेलिकल मोशन। तो यहां पे अगर आपसे ऑप्शन बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, हेलिकल मोशन हो रहा है। चलो ये तो बड़ा क्लियर था, एक खास बात देखो, क्या इसके हेलिकल मोशन की रिंग्स बराबर बराबर के डिस्टेंस पे होगी या अलग अलग डिस्टेंस पे होगी, मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या इस मोशन की जो पिच होगी वो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। पिच समझते हो ना, इसको बोलते थे ना पिच, पिच जिसकी पिच है वो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, सोचो आराम से। सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन का रेडियस भी निकाल सकते हो, R इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी। कोई आपसे पूछ ले कितने रेडियस का सर्कल है, R इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी, कौन सा V रखते हैं, V परपेंडिकुलर, V परपेंडिकुलर कौन सा है, V नॉट। अरे किसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, V नॉट की वजह से।
हाँ, अब मैं कह रहा हूं कि ये जो सर्कुलर मोशन है, ये जो हेलिकल मोशन है, जो इसकी पिच है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल, सोचो। जिसके एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है बच्चों, वो लगातार इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजेस विथ टाइम, यानी एक्स डायरेक्शन में इसके बढ़ने की स्पीड बढ़ती जा रही है। शुरू में इसने एक सर्किल बनाया, थोड़ा आगे बढ़ा, एक और सर्किल बनाया, अगली बार और आगे बढ़ा, एक और सर्किल और आगे बढ़ा, यानी इसकी पिच कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाएगी। कॉन्स्टेंट वर्ड ना यूज करूं, इसकी पिच लगातार बढ़ती जाएगी। बोलो, बात समझ में आई? क्योंकि एक्स डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी, एक सर्किल ऐसे घूमा, ऐसे ऐसे, एक्चुअल में तो सर्किल ऐसा नहीं कि अपनी जगह घूमता, ऐसे ई खचक ई खचक, सर्किल ऐसा और तिरछा होता जाएगा, समझ लो, ये खचक ये खचक। तो इसकी जो पिच है वो लगातार इंक्रीज करती जाएगी। अगर हम बोले दिस इज पी वन, दिस इज पी टू एंड दिस इज P3, then definitely P3 is greater than P2 is greater than P1. Clear हुई बात? समझ में आया? Radius constant रहेगा, MV0/QB. तो helical motion with variable pitch होगा इसका correct option. इसमें अब दो options मिल जाएंगे आपको helical के भी। एक तो circular होगा, एक straight line होगा, parabola हो सकता है, पर दो option जरूर होंगे helical के। Helical with constant pitch, हेलिकल विद वेरिएबल पिच, खिंचता जाएगा ना आगे। क्लियर है ये केस भी? अच्छा, एक और केस ले लेते हैं, ई इज पैरेलल टू बी का। ई इज पैरेलल टू बी का एक लास्ट केस ले ले, ई इज पैरेलल टू बी का एक लास्ट केस। ये ई हो गया, ये बी हो गया, वाई एक्स। अच्छा, हम सब में ये मान रहे हैं कि जो फील्ड है वो कांस्टेंट फील्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। अब मान लो जो चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू मास एम, वो कुछ ऐसा चल रहा है, ना ही दोनों फील्ड के पैरेलल है, ना ही दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर। पैरेलल में आपने देखा स्ट्रेट लाइन पाथ, परपेंडिकुलर में आपने देखा हेलिकल विथ वेरिएबल पिच, इंक्रीजिंग पिच टाइम के साथ। अब हमने किसी एंगल पर मान लिया कि ये दोनों फील्ड से एट एंगल थीटा है। अब पूछा गया क्या होगा? चलो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो वो अभी भी क्यू ही होगी। किस डायरेक्शन में होगी? एक्स डायरेक्शन में होगी, जिधर फील्ड है। एक्सेलरेशन एक एक्स डायरेक्शन में आपको मिलेगा, क्यू ई बाय एम। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब एक्स डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कुछ की नहीं। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में चल रहा है विथ वेलोसिटी वी नॉट। तो देखो, ये v नॉट के दो कंपोनेंट होंगे, एक x में आएगा v नॉट cos थीटा, एक y में आएगा v नॉट sin थीटा। तो x डायरेक्शन में इसकी शुरुआत में कितनी स्पीड है? v नॉट cos थीटा। तो vx इज इक्वल्स टू v नॉट cos थीटा प्लस ax, एक्सेलरेशन द x डायरेक्शन, q e by m into t। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती जा रही है। चलो, मतलब x डायरेक्शन में है तो स्ट्रेट लाइन ही, x में अगर हम देखें तो मोशन है तो स्ट्रेट लाइन ही, पर वेलोसिटी बढ़ रही है। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। Fm इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो बड़ा सिंपल है, v और b के बीच में एंगल थीटा ही है। v और b के बीच में देखो ना, b इधर, तो यही लग जाएगा क्यू वी नॉट बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स लगी। अब पूछा गया इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इसका कौन सा मोशन होगा, क्या फर्क पड़ेगा? तो बच्चों, मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो इस वाली स्पीड पे तो लगेगी नहीं। इसको ऐसे समझो कि जो इसकी स्पीड है, जो इसकी वेलोसिटी है, उसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये रहा, एक ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड इस कंपोनेंट पे तो कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि ये कंपोनेंट तो पैरेलल है। अरे यार, इस वेलोसिटी की वजह से कोई फोर्स ही नहीं लग रही मैग्नेटिक, जो लग रही है इस वेलोसिटी की वजह से, क्यू वी नॉट साइन थीटा इंटू बी, क्यू वी नॉट साइन थीटा इंटू बी, इसी वेलोसिटी के पैरेलल वाली वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं। अगर कोई वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड उससे कोई मतलब नहीं रखता। हमने वेलोसिटी वी नॉट बनाई, आपने कहा सर इसके दो कॉम्पोनेंट करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ
एक उसके परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड का जो साथ में है उसको तो माफ किया, हमारे साथ है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, जो परपेंडिकुलर है उस पर फोर्स लगाई, और फोर्स लगा के कौन सा मोशन कराएगा, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का रेडियस देखोगे तो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला होता है वी परपेंडिकुलर, फील्ड के परपेंडिकुलर। फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी है, साइन थीटा। तो एम वी नॉट साइन थीटा अपॉन क्यू वी विल बी रेडियस। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वी नॉट साइन थीटा को इफेक्ट कर पाएगी, आंसर इज नो। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है ही नहीं, वाई डायरेक्शन में देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो वी नॉट साइन थीटा को इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट नहीं करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलती है, मैग्नीट्यूड को नहीं, डायरेक्शन को बदल के सर्कल तो करा ही देगी। तो वो कैसे लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, फील्ड इधर मोशन इधर, इससे मतलब है, पहले सोचो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ऐसा सोच लो चार्ज पार्टिकल दो हिस्सों में है, एक हिस्सा ऊपर जा रहा है एक हिस्सा इधर, और कंबाइन मोशन इधर इमेजिन हुआ, एक पार्टिकल टूट के इधर गया एक पार्टिकल इधर, दोनों का कंबाइंड ऐसे चल रहा है, ट्र ट्र टी ट्र ट्र टी, कंबाइन मोशन ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पार्टिकल पे कोई फर्क नहीं डाल रही, या इस मोशन पे, इस मोशन पे फोर्स लगाएगी, किधर लगेगी, फील्ड इधर मोशन इधर, फोर्स अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, पार्टिकल ऊपर जाना चाहता है, फोर्स अंदर, ए खच्चर खच्चर खच्चर, मतलब ये तो फोर्स किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में ही है, और जेड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, वेलोसिटी ऐसे तो इसको घुमा देगा, यानी ये कौन सा मोशन कराएगी, सर्कुलर मोशन, और रेडियस आपने देख लिया, और सर्कुलर मोशन किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। तो एक तो इसने सर्कुलर मोशन कराया, इसने स्ट्रेट लाइन दोनों को मिलाया जाए, स्ट्रेट लाइन एक्स में हो रहा है, सर्कुलर इसमें, यानी स्ट्रेट लाइन इधर चलने को बोल रहा है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल मोशन फिर से कैसा हो गया, ये हेलिकल, हेलिकल मोशन हुआ कि नहीं, ये बना सर्किल, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे ले जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घुमा रही है। असल में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे नहीं ले जा रही, आगे तो ये खुद से जा रहा था, V नॉट cos थीटा से मैग्नेटिक फील्ड इसको छेड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आगे जाने की स्पीड को बढ़ा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको x डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको x डायरेक्शन में एक एक्सक्लेरेशन भी दे दे रही है कि अपनी स्पीड बढ़ा भी लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो इसकी x डायरेक्शन की जो स्पीड थी वो V नॉट cos थीटा बन के कॉन्स्टेंट रहती, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो x डायरेक्शन की इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती, v नॉट cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड को x वाली वेलोसिटी, पैरेलल वाली वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं मान लिया, तो v नॉट cos थीटा कांस्टेंट रहता, कांस्टेंट रहता तो x डायरेक्शन में वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता, स्पीड कांस्टेंट है, एक सेकंड में एक मीटर, अगले सेकंड में फिर एक मीटर, अगले सेकंड में एक मीटर, यानी जो इसकी पिच आती वो कैसी आती, कांस्टेंट पिच आती, कैसी आती, कांस्टेंट पिच, कब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो ना होने से क्या हुआ, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इज वी नॉट कॉस थीटा प्लस क्यू ई बाय एम इन टू टी, यानी एक्स डायरेक्शन की स्पीड लगातार बढ़ती भी जा रही है, तो इक्वल टाइम में इसका डिस्टेंस कवर बढ़ता जाएगा, यानी इस बार फिर से हेलिकल पाथ तो होगी पर उसकी पिच लगातार बढ़ती जाएगी। इफ दिस इज पी वन, दिस इज पी टू, दिस इज पी थ्री, देन अगेन पी वन ग्रेटर देन पी टू ग्रेटर देन पी थ्री, सो द पिच विल बी वेरिएबल। सो इस बार भी करेक्ट ऑप्शन होगा वेरिएबल पिच वाला हेलिकल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, सिंपल केस होता मैग्नेटिक फील्ड का, तब आप आंसर देते हेलिकल मोशन विद कांस्टेंट पिच। अब इसी में समझ रहे हो, सवाल में आपका पैराग्राफ सवाल हो सकता था, सेकंड नंबर का सवाल आपका डाल देता, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दी तब भी हेलिकल होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी इसको सीधा खींच रही है और मैग्नेटिक फील्ड इसको गोल गोल घुमा रही है, तो गोल गोल घूमते हुए आगे तो बढ़ेगा ऐसे, पर आगे बढ़ने की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने आगे बढ़ने की स्पीड को ही बढ़ा रखा है, जिसकी वजह से ये
दूर दूर जा जाके गोले बना रहा है, तो पिच बढ़ती जा रही है। आंसर होगा हेलीमुकल मोशन विद वेरिएबल पिच। तो इस पैरेलल टू बी में इतने ही केस करेंगे, नोट कर लें, दिस इज द लास्ट केस। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस आज का, व्हेन ई इज परपेंडिकुलर टू बी, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे। व्हेन ई इज परपेंडिकुलर टू बी, कैमरे की पोजीशन थोड़ी सही सेट करते हुए, व्हेन ई इज पैरेलल टू बी, चलिए देखते हैं। ई इज परपेंडिकुलर टू बी का क्वेश्चन लेते हैं, मिटा रहे इसको। ओके, सो ऑल आई वॉन्टेड कि आप ट्रेजेक्टरी निकालना सीख जाओ। इसके बाद इसके अंदर क्या सवाल बनेगा, कितना वेरिएशन होगा, आई कैन नॉट से। लॉरेंस फोर्स समझाना आपको काम था, कि कैसे फोर्स लग रही है, कितने तरह के मोशन हो सकते हैं। इसमें कई मोशन आपके सिलेबस के बियॉन्ड चले जाएंगे, कई मोशन। केस टू, व्हेन ई इज परपेंडिकुलर टू बी, और इसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट केस लेने जा रहे हैं आज की क्लास का, सबसे इंपॉर्टेंट केस, व्हेन वी इज परपेंडिकुलर टू ई, व्हेन वी इज परपेंडिकुलर टू बी, एंड व्हेन ई इज परपेंडिकुलर टू बी। तो ये तो हमने पहले ही बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, जो चार्ज की वेलोसिटी है वो दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर है। जरा देखो कैसे बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है आज का। मैंने कहा यहां कोई पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं, यहां कोई नेगेटिव प्लेट लगा देते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इनफाइनाइट प्लेट समझ लो, इनफाइनाइट प्लेट से ये होगा भैया कि जो फील्ड बनेगी वो यूनिफॉर्म बन जाएगी। मान लो इनफाइनाइट प्लेट है, ये भी इनफाइनाइट है, उससे जो फील्ड बनेगी वो यूनिफॉर्म बन जाएगी, कॉन्स्टेंट फील्ड। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी ई, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर ली हमने अंदर की तरफ। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो चुके हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर की तरफ, तो डेफिनेटली दोनों परपेंडिकुलर हो गए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज को इस तरह से लाना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो और मैग्नेटिक फील्ड के भी, तो एक प्लस क्यू चार्ज कुछ इस तरह से अंदर आया। क्या ये अभी दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है, ध्यान से देखो, थोड़ा इसको नीचे ले लें हम चार्ज पार्टिकल को, एकदम बीच से लेके आते हैं यहां से। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ऐसे अंदर आया विथ स्पीड वी, तो ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हुआ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। देखो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, है ना, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ध्यान से देखो, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल का मोशन, सो सॉरी आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हाँ ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं। अब देखो इस केस में क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्सेस लगेंगी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी दैट विल बी अगेन क्यू ई, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम फिर से एक्स वाई जेड एक्सिस को मान लें, यहां बना लेते हैं ऊपर, लेट दिस बी एक्स, दिस बी वाई एंड दिस बी जेड, तो ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो किधर लगेगी, नीचे की तरफ, नेगेटिव वाई में, सो वी कैन से दिस इज एक्टिंग एट माइनस वाई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है माइनस वाई पे, तो ये फोर्स ऐसे हो गई एफ इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक फोर्स की अब बात कर लेते हैं साथ में, जो मैग्नेटिक फोर्स होगी बच्चों वो होगी क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज अगेन 90, साइन 90 इज 1, सो इट इज कमिंग आउट टू बी क्यू वी बी। ये हो गई मैग्नेटिक फोर्स और ये हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट की माइनस वाई में, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी, राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पॉजिटिव चार्ज का मोशन इधर, फोर्स पॉजिटिव वाई में लग रही है इस बार। हाँ भाई देखो, राइट हैंड पाम से निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर से किधर, अंदर की तरफ, चार्ज का मोशन, पॉजिटिव चार्ज का मोशन राइट इससे थंब से, और फोर्स टिटिक टिटिक, मैंने बोला था एक पल का जीना का डांस, पाम से ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स आई, मैग्नेटिक फोर्स विच इज इन दी प्लस वाई डायरेक्शन। तो आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है
चार्ज पार्टिकल पे, कहाँ बनाया, यहाँ बनाया, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल पे वो नीचे है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं इस बार। पहले हर केसेस में दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हो रही थी, एक जेड में लग रहा था एक एक्स में लग रहा था, अभी दोनों अपोज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए पाम रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, ये चार्ज पार्टिकल का मोशन थंब से, और ये पाम से फोर्स का डायरेक्शन। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप तीन केसेस देखो। फर्स्ट केस, इफ एफ ई इज ग्रेटर देन एफ बी, मान लो ऐसा हो गया, यानी क्यू ई इज ग्रेटर देन क्यू वी बी, मैग्नीट्यूड वाइज, यानी नेट फोर्स किधर लग गई, नीचे की तरफ, तो चार्ज पार्टिकल आगे तो जाना चाहता है, फोर्स नीचे लग जाएगी। ध्यान से देखो, चार्ज पार्टिकल आगे तो निकला है, मान लेते हैं वेलोसिटी वी नॉट से, मान लेते हैं वेलोसिटी वी नॉट से, और फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगी, नेट फोर्स, यानी चार्ज का जो नेट मोशन होगा कुछ ऐसा होगा, जिसे हम बोल सकते हैं डाउन वर्ड पैराबोलिक। अपवर्ड डाउनवर्ड आपको केस पे देखना पड़ेगा, क्या पता कुछ ऐसा बना दे एग्जाम में फिगर कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाए, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड पलट के अपवर्ड कर दे, तब मैग्नेटिक फोर्स नीचे हो जाएगी, वो तो आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा। नेक्स्ट केस, इफ एफ ई इज लेस देन एफ बी, यानी क्यू ई इज लेस देन क्यू वी बी, बच्चों इस केस में नेट फोर्स किधर हो गई, अपवर्ड हो गई, अपवर्ड हो गई, तो चार्ज पार्टिकल वी नॉट से ऐसे जाना चाहता था, फोर्स ऊपर लगी, तो ऐसा कुछ मोशन होगा, यानी अपवर्ड पैराबोलिक। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द केस नंबर थर्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन एफ ई इज इक्वल्स टू एफ बी, व्हेन क्यू ई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, हेंस क्यू से क्यू मर गया, वी इज इक्वल्स टू ई बाई बी। अगर आप किसी तरह से चार्ज पार्टिकल की ये स्पीड सेट कर सकते हो कि स्पीड E बाई बी के बराबर हो, और कुछ ऐसा बना हो डायग्राम भी, तो आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी कि पार्टिकल V नॉट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, है कि नहीं, नेट फोर्स जीरो हो गई ना, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर गए, पार्टिकल मस्त V नॉट से स्ट्रेट लाइन। हाँ, कंडीशन है कि वो वी नॉट वेलोसिटी रेशियो ऑफ ई और बी के इक्वल हो, ई बाई बी के इक्वल हो, बाकी ई बी का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी ये तीन कंडीशन हो और साथ में ये कंडीशन हो, तो पार्टिकल जैसा घुसा था वैसे ही बाहर निकल जाएगा। ऐसा घुसा था, मान लो यहां पे हम एक छोटा सा स्लिट बना लें, छोटा सा होल बना लें, ठीक है, तो ये पार्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन में ऐसे निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, थोड़ा समझाते हैं इसके बारे में, यही सबसे इंपॉर्टेंट था, वेलोसिटी सेलेक्टर पहले नोट कर लो फिर बताएं। जब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो और चार्ज का मोशन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर हो, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो और चार्ज का मोशन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर हो, कैमरे को थोड़ा, अब दिखाई पड़ रहा है पूरा बोर्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो और चार्ज का मोशन भी दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर हो और जो वेलोसिटी हो वो ई बाई बी के इक्वल हो, तब आप देखोगे कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अब इसका इंपॉर्टेंस समझो वेलोसिटी सेलेक्टर का, नोट कर लिया है, इंपॉर्टेंस ये है बच्चों, मान लो यहां से मैंने न्यूमरस चार्ज पार्टिकल डाले, करोड़ों चार्ज पार्टिकल, और सबकी स्पीड अलग अलग है, है ना, जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं किसी न्यूक्लियस से तो उनकी एक रेंज ऑफ स्पीड होती है। बीटा पार्टिकल का इमिशन थोड़ा बहुत देखा होगा कभी रेडियो एक्टिविटी में, 1A से 12th में आप देखोगे, तो उनके पास एक रेंज ऑफ वेलोसिटी होती है बीटा पार्टिकल्स के पास। एक करोड़ बीटा पार्टिकल निकले और सबकी अपनी अपनी अलग अलग वेलोसिटी है। हमने कहा कि हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला बीटा पार्टिकल चाहिए, लेट अस से हमें कोई एक्स वेलोसिटी का बीटा पार्टिकल रिक्वायर्ड है किसी काम के लिए, तो हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसी सेट की कि उनका रेशियो एक्स के बराबर आ जाए, फिर सभी चार्ज पार्टिकल को यहां से फेंकना स्टार्ट किया। अब जिन चार्ज पार्टिकल की स्पीड एक्स होगी वो तो सीधे सीधे यहां कलेक्ट होते जाएंगे, इस स्लिट से निकलेंगे, यहां हम कलेक्ट करते जाएंगे उनको कलेक्टर में, और जिनकी स्पीड एक्स से ज्यादा या एक्स से कम होगी, है ना, जिनकी स्पीड एक्स से ज्यादा हुई, मतलब ये केस V इज ग्रेटर देन E बाई V, जिनकी स्पीड इससे ज्यादा होगी वो यहां से
वेरी सॉरी अपवर्ड पैराबोलिक, ये उन वो यहाँ से कुछ ऐसे ड्रिफ्ट कर जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ निकलेंगे, है ना, ड्रिफ्ट होते हुए कुछ ऐसे निकलेंगे, और जिनकी स्पीड e by b से कम हुई, ये केस v क्यों क्यों कट जाएगा, v इज लेस देन e by b, वो डाउनवर्ड पैराबोलिक यानी वो ऐसे निकलेंगे और वो कलेक्ट नहीं होंगे। वेलोसिटी सेलेक्टर, फिर से बोलते हैं, मान लो हमारे पास बहुत ढेर सारे चार्ज पार्टिकल हैं, सबकी वेलोसिटी आसपास है, पर हमें आसपास नहीं, हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल चाहिए। यहां खूब ढेर सारे चार्ज पार्टिकल आए, सब एक जैसे भाई भाई भाई, डे डे डे, कोई तेज तेज चल रहा, डों डों डों, कोई धीमे चल रहा, टुर टुर टुर, कोई आराम से, कोई बीच की स्पीड में चल रहा, ठीक है, कोई तेज से डे 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 डे, कोई आराम से डों डों डों, और कोई बीच में टुर टुर टुर, हमें टुर 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 वाले पार्टिकल चाहिए, है ना, एक्स वेलोसिटी वाले, उसकी वेलोसिटी हमें पता है क्या चाहिए। तो हमने अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वैरी किया, अच्छा दोनों को वैरी करने की जरूरत भी नहीं, किसी एक को वैरी कर लो भाई, ई बी का रेशियो सेट करना है ना, एक को फिक्स करके दूसरे को वैरी करते रहे, वैरी करते रहे, एक टाइम इनका रेशियो एक्स के बराबर आ गया, हमने अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमने कहा अब ये फील्ड ऑन कर दो, बटन ऑन किया, चार्ज पार्टिकल फेंके सारे। अब जिन चार्ज पार्टिकल की स्पीड टर 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 वाले से ज्यादा थी, एक्स से ज्यादा थी, v इज ग्रेटर देन e by b, वो क्या हुए, अपवर्ड पैराबोलिक्स, यहाँ कलेक्ट नहीं हुए, ऊपर से निकल गए। जिनकी स्पीड टर 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 वाले से धीमी, ढों 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 वाले जो थे धीमे चल रहे थे, तो ढों ढों वाले का क्या हुआ, v इज लेस देन e by b, डाउनवर्ड पैराबोलिक, वो भी कलेक्ट नहीं हुआ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर। बढ़िया से क्लियर हो गया, जिनकी स्पीड वेलोसिटी v नॉट से कम होगी वो यहाँ पे फॉल करेंगे डाउनवर्ड पैराबोलिक, जिनकी स्पीड v नॉट से ज्यादा वो अपर। अच्छा ये अपर डाउनवर्ड याद नहीं करो यार, केस चेंज कर दे, एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड पलट दे, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड कर दे, खेल खत्म हो गया सारा, जितना याद किया, कॉन्सेप्ट समझो। मान लो एग्जाम में और खेल खेले, इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्वर्ट कर दे और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे कर दे, भाई कंडीशन तो ये है कि दोनों परपेंडिकुलर हो, चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, चार्ज की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो ई इज परपेंडिकुलर टू बी में यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है। दूसरा केस बता देते हैं, इट इज अगेन बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ सिलेबस, पाथ उसकी हम लिखवा देते हैं, आप याद कर लेना, थोड़ा हम कोशिश करेंगे आपको फील दिला दें उस पाथ का, बट उसमें से क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं। इस पूरे लेक्चर से सवाल अगर आ सकता है तो एक आपका हेलिकल पाथ और एक यहाँ से। तो इसी केस में चलते हैं, व्हेन ई इज परपेंडिकुलर टू बी एंड चार्ज इज एट रेस्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन या किसी भी जगह पे, यार ओरिजिन तो हमने एक रेफरेंस ले लिया, चलो ये एक्स ये वाई ये जेड, किसी भी दो एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर लो। कंडीशन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, कहीं भी कर लो। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली वाई में है, ऐसे ऊपर की तरफ, लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड इज सम ई नॉट इन टू जे कैप, कॉन्स्टेंट है वाई एक्सिस पे, और मैग्नेटिक फील्ड जेड में मान ली, लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग बी इज इक्वल्स टू बी नॉट इन टू के कैप, और चार्ज पार्टिकल ये रहा ओरिजिन पे प्लस क्यू। अब बताओ इसका मोशन कैसा होगा, चलिए हम बता दें आराम से। एक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी एक्टिंग इन दी प्लस वाई डायरेक्शन विच विल बी इक्वल टू क्यू ई, ऐसे क्यू ई फोर्स की वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ई टी, एक्सेलरेशन इन दी वाई आ जाएगा क्यू ई बाई एम। अच्छा अब जेड डायरेक्शन की में मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी फोर्स लगाएगी, अभी तो नहीं लगा रही थी रेस्ट पे था, शुरुआत में किस पे है ये, रेस्ट पे, बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड कहेगी हाँ हाँ मूविंग चार्ज पार्टिकल, क्या बात है। तो राइट हैंड खोला मैंने, पाम को खोला, फिंगर्स को करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ये, और चार्ज देखो ऊपर की तरफ, बड़ा आसान है ये। मैग्नेटिक फील्ड जेड जेड किधर है, आपकी तरफ आता हुआ बनाया, अंदर नहीं बनाया बाहर बना दिया, तो जेड ऐसे है आपकी तरफ आता हुआ, और चार्ज का मोशन थंब से ऊपर की तरफ वाई की तरफ, तो फोर्स कुछ ऐसे लग रही है, चार्ज का मोशन ऊपर और जेड ऐसे, फोर्स कुछ ऐसे ऐड कर रही है, किस तरफ ऐड कर रही, ऐसे ऐड कर रही है, चार्ज किधर जाना चाह रहा ऊपर, फोर्स ऐसे। अच्छा आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड क्या कराना चाहती है चार्ज से, सर्कुलर मोशन, क्योंकि चार्ज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो किधर लग रही मैग्नेटिक फोर्स, इधर, यानी ऐसे घुमाना चाहेगी सर्किल में, बट साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर उठाती रहेगी, यानी जो इसका नेट मोशन होगा, जरा ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स किधर लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, चार्ज का डायरेक्शन ऊपर इधर, तो वो इस डायरेक्शन में सर्किल बनाना चाहिए, ऊपर जा रहा था इधर फोर्स लग गई खचा, पर जैसे ये नीचे डूबना चाहेगा चार्ज के नीचे चले, इलेक्ट्रिक फोर्स उसको बचा लेगी,
इलेक्ट्रिक फोर्स लगातार ऊपर लग रही है, तो चार्ज पार्टिकल का नेट मोशन जब आप मैथमेटिक्स बहुत ढेर सारी सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ा। इस मोशन को हम बोलते हैं साइक्लॉइड। तो इसको बस नोट कर लें और चाहे तो इसको लर्न कर लें। इसका हम नहीं मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, नहीं हम डिराइव करने जा रहे हैं इक्वेशन, और यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। हमने कुछ केसेस दिखाए, अब इसमें कोई भी केसेस बन के आ सकता है, आपको एनालाइज करना होगा और डेफिनेटली आपके जेई मेंस या एडवांस में आएगा तो ऐसी मैथ्स का आएगा जिसको आप सॉल्व कर सको। तो यहीं पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।